खरगोन जिले के बड़वाह के नर्मदा तट के पास अतिक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण एकजुट होकर सामने आए और सजग रहे। इनको रोकने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जाएंगे। यह बात बुधवार को विधायक सचिन बिरला ने नर्मदा तट स्थित ग्राम कटघड़ा में विधायक चौपाल ने कही। ग्राम कटघड़ा में ग्रामीणों ने बिरला से चर्चा के दौरान नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों के बारे में शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम कटघड़ा की खसरा नंबर 79 और 81 की गोचर भूमि की लगभग 3.25 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि ऐसे ही अतिक्रमण और अवैध कब्जे होते रहे तो ग्रामों के स्कूल भवन, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन आदि कैसे बन पाएंगे। इसी प्रकार ग्राम टोकी में ग्रामीणों ने बिरला को गांव के आसपास हो रहे अवैध मिट्टी उत्खनन से अवगत कराया। बिरला ने नर्मदा तटीय ग्राम टोकी, मेहताखेड़ी, कटघड़ा, रामगढ़, बेलसर सहित कई गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। खंडवा से ब्यूरो की रिपोर्ट। नर्मदा तटीय हमारे जो गांव हैं उनके दौरे पर हूँ। सेमल्ला, मोरल्ला, भोरई, सुल्तानपुरा, टोकी, मेहताखेड़ी, इन सभी हमारे गाँव के दौरे पे था। मुख्यतः जो समस्या हमको दिखाई दी, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो एक बड़ा यहाँ का विषय है वो है अतिक्रमण। नर्मदा तटीय क्षेत्रों की पंचायतों में की जो सरकारी ज़मीन होती है उसके ऊपर कई लोगों ने अतिक्रमण करने जा रहा है। बड़ा चिंता का विषय है कि शासकीय भूमि जब नहीं बचेगी तो हम लोग, हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं, स्कूल भवन है, अस्पताल हैं, कहाँ पर बनाएंगे। इसके लिए मैं ऊपर चिट्ठी भी लिखूंगा और शासन से मांग भी हम लोग करेंगे कि जल्द से जल्द अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटाया जाए और पंचायतों को जमीनों का अधिकार दिया जाए। इसके अलावा और कौन सी समस्या का आपने निदान किया? बहुत सारी समस्याएं, राजस्व संबंधी समस्या आई, अवैध उत्खनन की समस्या आई, मिट्टी की समस्या आई। मिट्टी यहाँ पर हमारा टोकी गाँव है, छोटा सा गाँव है, उस गाँव से मिट्टी जाती है, अवैध मिट्टी लेकर जाते हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने अभी अधिकारियों से बात की, उसको भी रुकवाना है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।